भी जो है ना मॉडिफाई किया पूरी तरीके से, ये काफी हाइट पे थी, हमने प्लेयर से भी इसको कम कर दिया। टंकी भी ऑलमोस्ट पूरी पेंट हो चुकी है, रबिंग का काम चल रहा है। तो ये देख सकते हो जो हमने इसके ऊपर काम करवाया था सारा A to Z हो गया। तो फाइनली अपना ना मीटर भी इंस्टॉल हो गया है, मीटर के बाद पिछला मरघाट इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद मोटर्स कैसे अपनी यूट्यूब फैमिली आपकी बहुत बहुत बढ़िया होगी। तो आज है 11 तारीख और छोटी दिवाली, कल होगी बड़ी दिवाली। तो आज का टाइम, आज भी हम जो है रेस्ट लेने वाले नहीं है, आज भी जो है हम लोग काम करने वाले हैं। तो अभी निकल रहे हैं मनी माजरा में टैंकी लेने जा रहे हैं, हाल ट्रांजेक्शन की जो हमने टैंकी पेंट करने के लिए दी थी और जो हमने सीट कस्टमाइज के लिए दी थी वो भी हम आज ले जाएंगे। तो आज का जो दिन है ना बड़ा नेक्स्ट लेवल होने वाला है, और बात बहुत ज़्यादा मतलब खुशियों का दिन है। और आप लोगों को दिवाली की शुभकामनाएँ, और आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाए, आप अच्छे से अच्छे काम करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, और आपका भाई भी ऐसे ही काम करे। तो सबको दीपावली की शुभकामनाएँ। तो आज का जो दिन रहने वाला ना शनिवार का, और टाइम हो रहा है 10:11। तो मतलब आज ना सिर्फ हम जो मेजर काम है, जैसे कि हमने और जो वायरिंग वाला काम है वो भी आज कर देना है, और जो हमने जैसे कि टंकी फिटिंग करनी है, सीट लगानी है, तो आज सारा कुछ हम कर देंगे। मतलब प्रॉपरली जो है ना हार्ले डेविडसन को हम इस मूड पे ले आएंगे, स्टार्ट भी कर देंगे। स्टार्ट करके एक बार आप लोगों को उसकी साउंड भी सुना देंगे, वैसे उसमें स्टॉक साउंड है और मतलब उसके अंदर एग्जॉस्ट हमने नहीं लगाया। तो अभी निकल रहे हैं मनी माजरा, और वहाँ से सामान वगैरह लेते हैं, उठाते हैं और वापस आते हैं फटाफट से। वहाँ भी मैं एक बार आप लोगों को टैंकी जरूर चेक कराऊंगा, जब हम जहाँ पे हमने पेंट करने के लिए दिया है, और सीट भी एक बार मैं आप लोगों को चेक कराऊंगा। तो होप करता हूँ अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जाकर पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दो, लाइक का बटन दबा दो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना टैंकी पेंट आपको कैसी लग रही है। और भाई साहब सच्ची बता रहा हूँ, जो पेंट मैंने उसके ऊपर कराया ना, जितना पैसा मैंने उसके ऊपर लगाया भाई, और सच्ची बता रहा हूँ आप लोगों को बड़ी खुशी मिलेगी उस पेंट को देख के। वेट करो फटाफट से, और मैं मनी बाजार में आपको डायरेक्टली मिलूंगा, क्योंकि मेरे साथ आरिश ने बड़ा साथ दिया, तो आरिश से एक बार मैं मिलवा देता हूँ। तो ये है आरिश। आरिश ने मतलब पूरी बाइक के अंदर जो है ना मेरा काफ़ी साथ दिया है, मतलब ऑलमोस्ट जो मतलब जितना भी काम रहता है काफ़ी अच्छा इतना काम कराया। अभी मेरे साथ यही जा रहा है, टैंकी वगैरह लेने जा रहे हैं, क्योंकि पीछे पकड़ के बैठने वाला कोई नहीं है। तो आरिश ने इस बाइक के ऊपर सारा काम कराया है, तो आधे ज़्यादा क्रेडिट आरिश को भी मिलता है। तो होप करता हूँ सब्सक्राइब कर लिया, अगर मिलते हैं फिर मनी माजरा में डायरेक्टली। ओके, तो गाइस हम पहुंच चुके थे मनी माजरा, और मनी माजरा में जहाँ पे हमने टंकी पेंट करने के लिए दी थी, टंकी पेंट हो चुकी है, ऑलमोस्ट स्टिकर वगैरह भी लग चुके हैं, और जो नेक्स्ट लेवल लग रही है ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा देख के। तो एक बार मैं सीट भी चेक कराता हूँ, हमने सीट ले ली, वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हमारे याद नहीं रह पाया, एक बार मैं सीट चेक कराता हूँ आप लोगों को। तो सीट में अभी फिलहाल आपको ऐसी दिखा रहा हूँ, क्योंकि बाइक जब ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी उसके बाद जो है इसका फुल वीडियो आपके पास आ जाएगा। तो अभी सिर्फ एक मैं नॉर्मली लुक दिखा रहा हूँ, टंकी की भी एक बार नॉर्मल लुक चेक कराऊंगा आपको। सो भाई लोग, अपनी टंकी भी ऑलमोस्ट पूरी पेंट हो चुकी है, रबिंग का काम चल रहा है। तो ये देख सकते हो जो जो हमने इसके ऊपर काम करवाया था सारा A to Z हो गया। ढक्कन लेना रह गया, ढक्कन इसका भी मार्केट में मिला नहीं है, ट्राई करेंगे कौन सी बाइक का मिलेगा। तो अभी साइड लुक है, प्रॉपर लुक जब हम इसको फाइनल कर देंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो एक हल्की सी साइड झलक देख लो कि क्या दिख रहा है आपको। तो इसका भी रबिंग चल रहा है, रबिंग लाने के बाद ले जाते हैं इसे घर पर और फाइनल लुक इसका फिटिंग करते हैं। सो होप करता हूँ आप लोगों को टंकी देख के बड़ा ही अच्छा लगा होगा, और जो काम इसके ऊपर हुआ है ना नेक्स्ट लेवल हुआ है सीरियसली यार। तो इसकी कॉस्ट वगैरह भी मैं लास्ट में आपको जाके प्रॉपर बताऊंगा कि क्या कॉस्ट आई है, कौन से पार्ट के ऊपर कितना कॉस्ट रहा है। तो गाइस यहाँ से करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट। सामने खड़ी है अपनी अवेंजर 2 हार्ले डेविडसन जिस पे प्रोजेक्ट चल रहा है, और ये सामने इसका टोटली प्रोजेक्ट पे जितना भी वायरिंग वाला आज काम होने वाला, और ये रहा आज का 5th व्लॉग। और 5th व्लॉग में जो है हमारी सारी फिटिंग रहेगी। फिटिंग में क्या, जैसे आप देख सकते हो मतलब इसको ना टोटली मैंने क्लीन कर दिया A to Z। देख सकते हो वायरिंग मतलब कल्ली जो वायरिंग है ना एकदम प्रॉपरली साफ हो चुकी है, क्योंकि देखो यार अब टंकी हाइट पे हो जाएगी तो फिर तारे तो साफ नज़र आनी चाहिए ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदी लगेगी। तो कंडीशन देख सकते हो, और अभी बाइक की ये कुछ कंडीशन है, और ये कुछ अभी पेंट इसका प्रोसेस जो पूरी तरीके से पक चुका है, और फाइनली पूरा इसके ऊपर जो शाइनिंग वगैरह भी आ चुकी है, मतलब काफ़ी अच्छा जो इसकी कंडीशन बाइक की हो चुकी है। तो आज से जो इसकी वायरिंग शुरू करते हैं, तो फाइनली जितना भी हो सकता है काम जितना भी रहेगा तो मैं आरिश से जरूर करवाऊंगा सारा का सारा, ताकि इसको सीखने के लिए बहुत कुछ मिले। तो यहीं अपने साइड पे मतलब फुटरेस्ट दोनों वाले, उधर वाला फुटरेस्ट भी और इधर वाला भी दोनों लगाएंगे, उसके बाद इसकी फिटिंग करते हैं हम टंकी वगैरह की, एक बार इसको स्टार्ट भी करके देखेंगे। अभी अब बारी आती है अपने एग्जॉस्ट यानी कि साइलेंसर, इसका जो ओरिजिनल वाला है साइलेंसर है उसमें अब फिटिंग करते हैं। फाइनली अपना ना मीटर भी इंस्टॉल हो गया है, अब मीटर के बाद पिछला मरघाट इसका इंस्टॉल करते हैं उसके बाद। तो फाइनली अपना रियर मरघाट भी इसमें इंस्टॉल हो चुका है, तो देख सकते हो फिटिंग यहाँ पे आरिश कर रहा है सारी। तो यहाँ पे दो नट लग चुके हैं, यहाँ के दो नट रह गए हैं, अभी फ़िलहाल मरघाट कुछ ऐसा लग रहा है देखने में। और इसका बैक ग्लास जो है इसका टूटा हुआ है, इसमें भी हमने नया मंगवा लिया है वैसे ही, इसको भी इंस्टॉल कर देंगे, और जो इसका जितना भी मरघाट है सारा साफ़ करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी डस्ट वगैरह है।
इंडिकेटर भी इसके कोशिश करेंगे अभी चेंज कर देंगे इसके, और वायरिंग रह जाती है लोग कुछ अभी ऐसी लग रही है, तो अभी इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। अभी इसमें सुराग वगैरह भी करने, क्योंकि यहाँ पे इसके होल्डर लगेंगे जो भी इसके स्टार्ट करने वाले स्विच रहते हैं। तो मीटर कुछ अभी मैंने इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा दी है, यहाँ से इसको थोड़ा सा बेंड करके इसको ऊपर लगा दिया, ये पहले स्ट्रेट था अब इसको ऊपर की तरफ कर दिया। तो भाई लोगों हो गया काफ़ी हद तक का उसका काम हमने कंप्लीट कर दिया है, और मैं एक बार आप लोगों को चेक करवाया तो हमने क्या क्या उसका काम जो अभी लगा दिया, एक बार चेक करो और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जो इसका फाइनल लुक रहेगा ना वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा, तो एक बार मैं चेक करा देता हूँ। सो भाई लोग बाइक की लुक ना नेक्स्ट लेवल हो चुकी है, सीट आप देख सकते हो क्या लग रही है, एक नंबर सीट होती है। सो गुड लुक ऐसी है कुछ, हमने रियर मिरर लगा दिया, सीट लगा दी, एग्जॉस्ट लगा दिया, एंड इसकी वायरिंग हमने कंप्लीट कर दी, मीटर लगा दिया, इसके अंदर हैंडल भी एक साइड हमने क्लच फिट कर दिया है, और अगली बारी आती है इसकी जैसे हमने यहाँ पे लाइटें वगैरह अच्छी इंस्टॉल करनी है। और फ्रंट एक बार मरगाड़ चेक करो, मरगाड़ इसका काफ़ी लंबा था यहाँ तक और इसके नीचे तक काफ़ी था, तो हमने इसको भी शॉर्ट कर दिया है। अभी इसको भी यहाँ से थोड़ा सा और शॉर्ट करेंगे, यहाँ इसको फाइनल करेंगे। इसके इंडिकेटर वगैरह हमने लगा दिए, दोनों फुटरेस्ट लगा दिए। सो गाइस मतलब ऑलमोस्ट क्या बाइक की लुक आ रखी है, तो ये सीट की आप लुक साइड से चेक कर सकते हो। हमने इस सीट को भी जो है ना मॉडिफाई किया पूरी तरीके से, ये काफ़ी हाइट पे थी, हमने रियर से भी इसको कम कर दिया और थोड़ा सा हाइट मतलब कि फ्रंट सीट को थोड़ा सा गहरा कर दिया। और इस साइड से मैं एक बार चेक करा देता हूँ, तो यहाँ का भी शॉकर इसका लगाना रह गया, यहाँ का शॉकर लग जाएगा, उसको क्लीन करना, अभी क्लीन नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा गंदा था। और इसमें अभी एक इशू आ रहा है जैसे कि अभी है ना बहुत ज़्यादा इसके ये कुछ तारे वगैरह हैं, इसको भी ना कुल कलर टाइप में रेड वगैरह में करेंगे ताकि और भी ज़्यादा अच्छी लगे। और इसका ये अभी यहाँ एक्चुअल में क्या हुआ, ये ज़्यादा आगे लग गया, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ करना है, इसमें गियर यहाँ पे पड़ नहीं रहा, ये यहाँ पे आगे अड़ जा रहा है, तो इसको भी अभी कंप्लीट करना है, यहाँ के फुटरेस्ट वगैरह लगाने हैं, कंप्लीट करना है इसको, उसके बाद इसकी सर्विस है जब लास्ट में। तो भाई लोगों ये था आज का व्लॉग, होप करता हूँ आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा, इन्जॉय किया होगा, आप लोगों ने बाइक के ऊपर काफ़ी सारे जो मोड किए हैं आप लोगों को समझ भी आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और कुछ अच्छा खासा जो मतलब बाइक का जो कंप्लीटेशन है ना, टंकी वगैरह इंस्टॉलेशन स्टार्ट सारा कुछ आप लोगों को उसके अंदर करके दिखाएंगे। होप करता हूँ अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दो, लाइक का बटन दबा दो, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें कि बाइक आप लोगों को कैसी लग रही है। तो करते हैं वीडियो को एंड और मिलते हैं नए ब्लॉग में कुछ नया लेके, धमाका और नेक्स्ट जो ब्लॉग होने वाला ना तबाही, और आप लोगों के लिए जो जिस चीज़ का इंतजार था प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। डन गाइस, तो करते हैं फाइनल और वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं नए ब्लॉग में कुछ नया लेके।